वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की बात की जाए तो यहाँ पे रिसेंटली 15.30 पे ट्रेडिंग कर रहा है, तकरीबन आज यहाँ पे 4.79% ऑफ है आज के दिन की। तो बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते अपर सर्किट भी लग चुका है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो मूवमेंट की बात की जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 14.60 यहाँ पे और ओपन हुआ था 15.25 पे और हाई भी बनाया था 15.30 का, जहाँ पे अपर सर्किट लगा है अभी रिसेंटली अपर सर्किट में और लो देख सकते हो 15.10 का है। ट्रेडेड वॉल्यूम की बात की जाए तो आज के दिन का 6,70,000 का सिर्फ वॉल्यूम है और बाइंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 13 लाख क्वान्टिटी बाकी है, तो यहाँ पे आप पेंडिंग में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अपर सर्किट की प्राइस है 15.30 और लोअर सर्किट की प्राइस है 13.90। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का मैप भी देखा जाए तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे 9 लेवल, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो था पहले लगा था, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ऊर्जा के लिए। तो रिसेंटली ऊर्जा लिमिटेड का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा बाउंस बैक दिखा है। डेली चार्ट फ्रेम की भी बात किया तो डेली चार्ट फ्रेम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है रिसेंटली, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शार्पनेस भी दिखा सकता है यहाँ से ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। तो करंटली नीचे भी आता था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल थी तकरीबन 11 लेवल के पास ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए, मीन्स वहां से बाउंस बैक होने के चांसेस ही थे ज्यादा। तो यहाँ भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है। अगला टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 20 लेवल तक जाके रेजिस्टेंस लग सकता है, 20 को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन फिर से 30 लेवल के ऊपर जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ऊर्जा ग्लोबल की जो मार्केट कैप है 819 करोड़ की मार्केट कैप है, तकरीबन यहाँ पे डेब्ट जो कंपनी के ऊपर एक कर्जा है 4.98 करोड़ का है और जो नेट प्रॉफिट ऊर्जा को हो चुका है करंट ईयर में थर्ड क्वार्टर के बाद का वो 1.97 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है अभी तक का। कंपनी के जो सेल्स भी देखे जाए तो सेल्स भी 118 करोड़ के हो चुके हैं थर्ड क्वार्टर तक, यानी कि उसी 118 करोड़ में से अभी तक 2 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है सिर्फ। देखा जाए तो सारी चीजें थोड़े से ठीक है पी रेशो को छोड़ के, सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग भी कम है यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखा जाए तो एनालिसिस की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से में बहुत सारी चीजें वो देखने आपके मायने रखते। तो पहला पॉइंट है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.00 टाइम्स बुक वैल्यू। सेकेंड पॉइंट है द कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट दे रही है हर क्वार्टर में, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, तो ये वजह है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। और उसके बाद भी देख सकते हैं द कंपनी हैज डिलीवर्ड पोस्ट सेल्स ग्रोथ, पिछले 5 सालों में पोस्ट सेल्स ग्रोथ दिया है, प्रमोट होल्डिंग तो बहुत ही कम है। तो अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम इज 2.98 करोड़, जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.98 करोड़ जो है उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर इनकम ही है, मीन्स जो ऊर्जा के बाहर से आती हुई इनकम। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज यहाँ पे ऊर्जा कंपनी के लिए।